लोग दिल्ली जा रहे हैं। क्या है वहाँ पे? पुरानी पेंशन का बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। देश भर के सभी कर्मचारी लगभग 10 लाख से ऊपर पहुंचने वाले हैं। जी, क्या मांगे हैं? मांगे बताइए। हम लोगों की मांग है पुरानी पेंशन बहाल करना और निजीकरण के विरुद्ध में जो सरकार धरले से सारे सरकारी विभागों को निजीकरण कर रही है उसको बंद करें और कर्मचारियों को बुढ़ापे की लट्ठी पेंशन बहाल करें। तो दिल्ली में कितने दिन का कार्यक्रम है? दिल्ली में 1 अक्टूबर को 1 दिन का कार्यक्रम है रामलीला मैदान में। अच्छा, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देश के हर कोने से आ रहे हैं लोग? देश के हर कोने से सभी कर्मचारी आ रहे हैं। जी, तो आज यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं बलिया से दिल्ली? अभी आज हम लोग बलिया से कम 50-60 लोग जा रहे हैं। और कब तक? कल भी गए थे लोग? कल भी गए थे। कितनी संख्या है जाने वालों? बलिया से 1200 प्लस है लगभग। जी, तो दिल्ली पहुँचेंगे 1 अक्टूबर को, वहाँ प्रदर्शन होगा। मांगे थी आपके 2-3 की, निजीकरण, पुरानी पेंशन। और क्या 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 मांग है? हम लोग सर पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, जो निजीकरण हो रहा है उसको बंद किया जाए। जी हाँ, हम लोग पुरानी पेंशन के लिए वहाँ पर रामलीला मैदान में पूरे देश से लगभग 10 से 12 लाख कर्मचारी जुटने वाले हैं और पूरी दिल्ली इस बार भर जाएगी। हम लोग अपने बुढ़ापे के सहारे, अपने बच्चों के भविष्य को संवारने हैं, अपने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर को पूरे देश से समस्त कर्मचारी हम लोग पहुँच रहे हैं। क्योंकि पुरानी पेंशन जनहित का मुद्दा है और यह सामाजिक सुरक्षा का भी मुद्दा है, इसलिए इस काम को आज जो शिक्षक कर्मचारी अधिकारी लड़ रहे हैं ये पूरे देश के हित के लिए लड़ रहे हैं और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। इसी बात तो हम लोग सब परिवार धरना देने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब परिवार हम लोग धरना देने का काम करेंगे। जहां भी हम लोग के संगठन का जहां भी धरना देंगे, सब परिवार अपने बीवी बच्चों सहित।